आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत कि अपने हुए अपमान की उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अपमान के जवाब देने के तरीके बताए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब। हालांकि चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है, दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के महान होने का परिचय देता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि तीसरी बार अपमान को सहन करना उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, इसलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। चाणक्य ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।